हेलो दोस्तों, मैं सोनू शर्मा नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास यह है कि मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करने के लिए आया है, जो कि स्नैपल कंपनी का है। आप देख सकते हैं ये जो मिक्सर ग्राइंडर है डेड कंडीशन में है, ये चालू नहीं हो रहा है। हम इसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद इसमें खोल कर देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है, ये किस कंडीशन से चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर प्रेस करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। अभी मैं इसको बोर्ड में लगाता हूँ। पावर में लगाने के बाद मैं चेक करता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया है और मैं इसको यहाँ से चालू करता हूँ। तो देखिए, ये नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, पूरा डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों देखिए, नहीं चल रहा है। दोस्तों, इसको हम खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, खोल के देखेंगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों, इसको पहले मैं खोलता हूँ, स्विच को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको मैं खोल लेता हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। तो मैं इसको अभी प्लग को लगाता हूँ बोर्ड में और एक बार देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने वहाँ से स्विच को चालू कर दिया है। अभी मैं इसको चालू करता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, जो पहले इसका इनपुट सप्लाई है हम उसको चेक करेंगे कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। कि जो दोस्तों हमारा मेन लीड वायर है, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा जो आया है बोर्ड से, हमको पहले इसको चेक करेंगे इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, हमारे पास ये मल्टीमीटर है। अभी हम 750 वोल्ट पे करेंगे एसी पे और दोस्तों मैं इसको अभी चेक करता हूँ। एक प्रॉब हम यहाँ पे लगा देंगे, रेड वाला आया है उधर से, आप देख सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, तो हमारा ये जो मेन वाला वायर है इस पे एक लगा दिए और एक हमारा आप देख सकते हैं यहाँ से, हमारे जो यहाँ पे रहता है ओवरलोड स्विच जो बोलते हैं, हम इस पे टच कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ इसमें इसका कंडीशन क्या है, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस लीड वायर में पावर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 0. दोस्तों 1 वोल्ट बता रहा है। तो दोस्तों, मतलब हमारा मेन लीड वायर से मिक्सर में पावर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहले हम मेन लीड वायर को चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर और कुछ दिक्कत होगा तो उसको हम
सही करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये लीड वायर है, तो मैं इसको लगाऊंगा अभी, 2 पिन वाला है। मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ इसे। मैं इसी में टाइट कर दूंगा, हमको इतना जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको छील लेता हूं। दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूं अपने हिसाब से। हमारा हो गया, इसको कट कर देंगे। अभी मैं इसको तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें का जो क्लिप है मैंने लगा दिया है। जैसे कि ये वाला वायर में लगा है, मैं इसको थोड़ा दबा देता हूँ प्लायर की मदद से। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से इसमें पूरा लगा लिया है। अब हमको सिर्फ इसमें कनेक्शन कर देना है। दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। और दोस्तों मैं इसमें लगा देता हूँ। लग गया बराबर। इसमें एक इसमें लगा दूंगा, इसका जो वायर है। तो ये लग चुका, एक बार इसमें लगा दूंगा। थोड़ा लूज है तो मैं इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। टाइट इसको थोड़ा दबा देंगे, ये टाइट हो जाएगा। देखिए प्रॉपर लग गया। दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको लीड वायर को जो लीड वायर है मैं इसको बोर्ड में लगाता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहले से चालू था, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों हमारा फाइनली इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दोस्तों इसमें मेन लीड वायर का ही प्रॉब्लम था, तो मैं इसको इसमें लगा लूँगा। तो अभी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें।
जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों अब ये कंप्लीट हो चुका, तो मैंने इसको लगा दिया। तो दोस्तों फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो हमारा स्नैपल कंपनी का जो मिक्सर ग्राइंडर था वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।